नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं आंचल न्यूज़। वक्त हो गया है देश और दुनिया के कुछ खास खबरों का। किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म होना काफी खुशियों से भरा होता है। हालांकि अलग अलग परिवारों में इस खास मौके को मनाने का जो अंदाज है वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है। दुनिया भर के कई समुदायों में बच्चे का जन्म होने पर कई तरह की अजीबोगरीब रस्में भी निभाई जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन रस्मों को मनाने वाले लोग विकसित देशों में भी हैं। ऐसी मान्यता है कि इन रस्मों को निभाने से बच्चे को आने वाली सारी परेशानियों से बचाया जा सकता है। जापान में नवजात बच्चे की गर्भनाल का बहुत ज्यादा ही महत्व है। एक देश में ऐसी मान्यता है कि गर्भनाल एक माँ से जुड़ा हुआ प्रतीक है, ऐसे में इसे सम्मान मिलना चाहिए। इसी वजह से बच्चे के जन्म होने के बाद गर्भनाल को फेंका नहीं जाता है, बल्कि लाख के डिब्बों में सहेज कर रखा जाता है। जापानी भाषा में इसे हैसो नो यानी पेट की पूंछ कहते हैं। बता दें कि नाइजीरिया और घाना में माँ की गर्भनाल जो बच्चे से जुड़ी हुई होती है उसके लिए शोक मनाने का रिवाज है। अफ्रीकन देशों में प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को बच्चे का जुड़ाव भाई या बहन माना जाता है और बकायदा पूरी रस्मों के साथ उसे दफनाया भी जाता है। दफनाने की प्रक्रिया एक पेड़ के नीचे होता है। इंडोनेशिया के द्वीप बाली में भी बच्चे का जन्म होने पर एक बहुत ही अजीबोगरीब रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के मुताबिक बच्चे को पहले 3 महीने जमीन को छूने पर भी नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ किसी भी तरह से जमीन के संपर्क में भी नहीं आने दिया जाता है। ऐसे में माँ बच्चे को पूरे समय गोद में या बिस्तर पर रखे रहती है। इस रस्म को लेकर मान्यता है कि जमीन से दूर रखकर बच्चे का दूसरी दुनिया से संपर्क बना रहता है। चीन में बच्चे का जन्म होने के बाद माँ को पूरे 30 दिन तक परिवार से अलग रहना होता है। इन 30 दिनों तक नई माँ ना ही घर से बाहर निकल सकती है और ना ही कच्चे फल का सेवन कर सकती है। इतना ही नहीं, नई माँ को नहाने की भी मनाही होती है। चीनी भाषा में इस महीने को जुओ यूजी कहते हैं। बता दें कि चीन में इस रस्म का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। तो ये थी खास खबर। इसी तरीके की देश और दुनिया की खास खबरों के लिए बने रहिए आंचल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.